हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा बहुत बढ़िया टेस्टी पराठे, जो हेल्दी तो हैं ही, प्रोटीन से भरपूर हैं और फाइबर से भरपूर हैं, जो आपके बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशंस देगा वो एक पराठे के अंदर। तो चलिए बनाते हैं लौकी का पराठा। उसके लिए लेंगे हम एक बड़ा बाउल गेहूँ का आटा और लेंगे एक बाउल मल्टीग्रेन आटा, जिसमें प्रोटीन तो है ही, फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। एक बाउल लेंगे छोटा वाला बेसन, इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। एक बाउल मैंने छोटा वाला लिया है मक्के का आटा, इसमें बहुत फाइबर होता है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी, और ये कुरकुरापन देता है पराठे में। और लिया है प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, सौंफ कुटी हुई, और डालूंगी काफ़ी सारा हरा धनिया दो करके बारीक बारीक कटा हुआ। और हमने जो लौकी कसी कद्दूकस कर रखी हुई है उसको थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, कहीं कड़वी तो नहीं, कभी कभी कड़वी निकलती है, तो उसको कद्दूकस करने के बाद इसमें हम मिला लेंगे। और अब डालेंगे थोड़ी सी हींग डाल लेंगे, एक चम्मच जीरा डाल देंगे, एक चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे, एक चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, पराठे में थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत अच्छा कलर आता है इसे, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो उसको बैलेंस करता है पराठे का। और अब डालूंगी क्रश किया हुआ साबुत धनिया होता है सूखा वाला वो, और एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। अब सारे सामान डालने के बाद इसको हम धीरे धीरे इसको मिला लेंगे। हमें शुरू में बहुत पानी नहीं डालना है, क्योंकि सारा सामान मिलाने के बाद अच्छे से, क्योंकि जो लौकी होती है ना वो भी पानी छोड़ती है, तो हमें धीरे धीरे मिला करके फिर देखना है कि इसमें कितना पानी का रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले सारा सामान जो हमने डाला है वो अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि पहले से हम ढीला कर देंगे तो ये पानी छोड़ने के बाद और आटा थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो इस आटे को हमें थोड़ा टाइट ही लगाना है, स्टार्टिंग से ही टाइट लगाना है, ताकि पानी अगर छोड़े भी तो थोड़ा गुंजाइश रहती है। तो अब हम इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसल मसल करके आटा लगा लेंगे, और उसको हम साइड में रखते हुए अब करते हैं चटनी की तैयारी। तो एक जार में मैं लूँगी 3-4 हरी मिर्चियाँ, उनको रफली ऐसे चॉप कर लेंगे, काट डाल दूँगी इसके अंदर। और अब 3-4 टुकड़े लिए मैंने प्याज के, 6-7 लहसुन की कलियाँ, और हरा धनिया धो कर के इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छी लगती है चटनी पराठे के साथ में, हरी धनिया की चटनी हो या लहसुन की चटनी हो तो मज़ा दुगना ही हो जाता है। और अब मैं डाल दूँगी मसाले, इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हींग, जीरा डाल देती हूँ आधा चम्मच, और थोड़ा सा, और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू। नींबू से क्या होता है कि इतना बढ़िया कलर आता है इसका, जैसा कलर होता है वैसा ही रहता है, इतना हरा एकदम, आपने देखा होगा जब भी हम चटनी बनाते हैं ना तो चटनी का कलर थोड़ा डार्क सा हो जाता है, तो इससे क्या एकदम फ्रेश रहता है एकदम, और ग्रीन चटनी लगती है, कलर भी चेंज नहीं होता। तो इसके साथ थोड़ा सा अमचूर पाउडर के साथ आप थोड़ा सा नींबू डालें, टेस्ट भी इतना अच्छा आता है और कलर भी चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से आप आधा नींबू निचोड़ करके, और चटनी को मैं पीस लेती हूँ, देखिए कितना शानदार कलर आया एकदम ग्रीन, और कलर ऐसे ही रहता है, आप कभी भी इसको बना कर रखेंगे कलर चेंज नहीं होता नींबू डालने के बाद, और कलर का तो आता ही है एकदम चटपटा खट्टा खट्टा टेस्ट। और मेरी हो गई चटनी तैयार, ये मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब हम देखेंगे हमारे आटा जो मैंने लगाया था उसमें एक चम्मच देसी घी डालने के बाद परात में,
और इसको मसल मसल करके लगा लेंगे। देखिएगा इस कितना अच्छा आटा लगा है। पानी अगर छोड़ता भी है तो हम पहले से अगर टाइट लगाते हैं ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कितनी बार लौकी का आटा जो लगाते हैं इसमें बहुत दिक्कत आती है, सब कहते हैं कि ढीला हो जाता है। इस तरीके से लगाएंगे तो आपका जो आटा है कभी भी ढीला नहीं होगा। अब मेरा आटा तैयार हो चुका है और अब हम बनाएंगे इसके पराठे। चलिए बना लेते हैं। और इस तरीके से हम आटे में लगा करके इसको इस तरह से बेल लेंगे, जैसे हम पराठे बनाते हैं नॉर्मली। उसका घी लगा करके थोड़ा सा उस तरीके से मैं ट्रायंगल करके सारे पराठे बना लूँगी। और इन पराठों को बहुत बच्चे इतने प्यार से खाते हैं, इसमें फाइबर होता है, आयरन होता है और बच्चों को कंप्लीट जो बेनिफिट जो होते हैं ना इस पराठे में मिल जाते हैं। तो सारी मम्मियों से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरीके से बच्चों को, जिन बच्चों को लौकी पसंद नहीं होती है तो उनको बना करके खिलाएं, तो बच्चे तो खुश होंगे ही और आपकी तो टेंशन ख़त्म हो ही जाएगी। इन पराठों को हम इस तरह से बेल लेंगे और इस तरह से बनाते हुए एक एक को, और मीडियम फ्लेम ही रखनी है हमें। इस तरीके से सेकते हुए इनको दबा दबा करके सेकेंगे, थोड़ा क्रिस्पी सेकना है। इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है क्योंकि इस मक्के का आटा होता है ना, मक्के के आटे से इतना मतलब क्रिस्पी टेक्सचर आता है, इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीके से दबा दबा करके हम सारे पराठों को सेक लेंगे। अब इसको पलट लेते हैं, पलट करके वापस से सेकेंगे। कितना अच्छा कलर आया इसका, बच्चों के टिफ़िन में या इवनिंग में हम इस तरह से पराठे बनाएं तो सारे बेनिफिट्स तो मिलते हैं बच्चों को लौकी के, और हेल्दी तो होते ही हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बना करके दे सकते हैं, कभी भी टिफ़िन में भी दे सकते हैं। कई बार बच्चे बहुत नखरे करते हैं लौकी खाने में, तो हम इस तरीके से बनाएं तो हमारी भी टेंशन ख़त्म। तो इस तरीके से आप बनाइए पराठे और बताइए ये रेसिपी क्या आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।